हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लाइव ओके। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेकिप मंडल जी, हेलो साइफुल, हेलो। तो बच्चों, आज हम लोग एनिमल किंगडम का यहाँ पर डीपीपी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस डीपीपी को ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था अपने लास्ट वाले क्लास में, ठीक है ना। तो लास्ट वाले क्लास में हमने क्या किया था, यहाँ पर जो पहले के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है ना, इन आवर लास्ट डीपीपी डिस्कशन क्लास, ठीक है ना। तो बच्चों, इसीलिए आप लोग एक काम कर सकते हो, वो लास्ट वाला वीडियो देख लेना, और अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 50 से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग के जो फ्रेंड वगैरह है उनको भी आप लोग जो है यहाँ पर इनवाइट कर दीजिए जल्दी से, हम एक मिनट का टाइम लेंगे, आप लोग इनवाइट कर दो, उसके बाद हम देखना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। मैं तब तक एक क्विकली एक सेटिंग्स यहाँ पर मिला लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस करने यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो विल बी डिस्कसिंग नाउ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 50 है वो हमको क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमको क्या कह रहा है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपका यहाँ पर क्या है, द बॉडी ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स व्हिच इज डिवाइडेड इनटू, बस इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ये जो हेमिकॉर्डेट्स है इनका बॉडी आपका कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बोला था इनका जो बॉडी होता है उसका क्या होता है, इनका आपको प्रोपोसिस देखने को मिलेगा, यू विल बी एबल टू सी द प्रोपोसिस। प्रोबोसिस के बाद आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा कॉलर देखने को मिलेगा, और कॉलर के साथ आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इस एनिमल का जो है ट्रंक आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का हमने जो है डायग्राम यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो इनका आंसर क्या होगा, 50 का जो आंसर होगा वो होगा 3, डेट इज द प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है ना। तो आप लोग को अगर जो साउंड मेरा क्लियरली सुनाई दे रहा है तो एक बार कॉमेंट में मेरे को जरूर बोलिए कि साउंड क्लियरली सुनाई दे रहा है, और अगर कोई ग्राफिक्स में अगर प्रॉब्लम है तो एक बार बोल दीजिएगा, ठीक है ना। ओके तो बच्चों, आप लोगों को भी क्वेश्चन पढ़ना है, और आप लोगों को जो क्वेश्चन पढ़ के क्या करना है, मेरे साथ साथ जो है आंसर देते जाना है, ठीक है ना। ओके तो नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 51 हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। ओके लेट्स डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फीचर इज कॉमन टू बैलेनोग्लॉसिस, एनोफोलिस, लूसिफर, ठीक है ना। बैलेनोग्लॉसिस आपको देखना है कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये आपका क्या करेगा, इट विल बी बिलोंग टू द हेमिकॉर्डेट्स, ये हेमिकॉर्डेट्स से आपका बिलोंग करना है। एनाफोलिस ये मॉस्किटो है, तो ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेगा, इट विल बी बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा। और लूसिफर ये क्या है आपका, दिस इज द लैक इंसेक्ट, ये लैक इंसेक्ट होता है, इट विल बी अगेन बिलोंगिंग टू द आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। तो इनमें इन तीनों में कॉमन क्या है, मतलब एक हेमिकॉर्डेट दे रखा है और दो आर्थ्रोपोड दे के रखा है, और आप लोगों को पूछा जा रहा है कि इनमें कॉमन क्या है, ठीक है। मैराइन हैबिटेट ये कॉमन नहीं है, ठीक है ना, ये कॉमन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्थ्रोपोड में बहुत सारे एनिमल होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं आपके, ठीक है ना, या फिर फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल ग्रुप, ठीक है ना। लार्जेस्ट फाइलम तो यहाँ पर क्या है, आर्थ्रोपोड है, हेमिकॉर्डेटा तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अलग फाइलम है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है ना, ये हेमिकॉर्डेट्स क्या है, आधे कॉर्डेट कहलाए जाते हैं, तीन चार कैरेक्टर इनमें, दो तीन कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं इनमें, किसके, कॉर्डेट्स वाले, ठीक है ना। लेकिन बाकी सारा जो है इनमें लोअर एनिमल की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। तो हम अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो इनमें भी ओपन देखने को मिलेगा, कॉर्डेट्स में, आर्थ्रोपोड में भी आपको ओपन देखने को मिलेगा, तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन ये तीनों हमको देखने को मिलता है,
ठीक है ना, इन तीनों में पहला ऑप्शन मेलनोग्लोसिस, एनाफोलिस और लसीफर में देखने को मिलेगा, 3 आंसर है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन गलत होगा क्योंकि कुछ में हमको फिर से इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ओके, अब चलो हम थोड़ा आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 52 को डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 52। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, आप लोग देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 में यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइलम विच वॉज अर्लियर कंसिडर्ड, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 52 में कि फाइलम विच वॉज अर्लियर कंसिडर्ड, फाइलम विच वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर इसको एक सब फाइलम पूछा जाता था, नाउ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है ना। तो ऐसा एक ही फाइलम के साथ हुआ है, वो कौन से थे, एमीकॉर्डेट्स। एमीकॉर्डेट्स को पहले किस में रखा जाता था, कॉर्डेट के अंदर ही एक ग्रुप में रखा जाता था, बट लेटर ऑन हमको क्या पता चला, उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है, उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है आपका एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो वो कौन सा है आपका, हेमिकॉर्डेट्स, जिनको अब हमने कहां पर प्लेस करके रखा हुआ है, नॉन कॉर्डेट्स में प्लेस करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों को जो है ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, कमेंट करके बताओ, थोड़ा कमेंट वगैरह करो और बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। और आज हम लोग जो है थोड़ा यहाँ पर लंबा डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आज खत्म करेंगे, तो टारगेट रहेगा कि आज भी जो है हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ठीक है ना। और आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते रहिए, एक साथ सीखेंगे तो मजा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड इजन। तो सबसे पहले ये जो प्रोबोसिस ग्लैंड था हमने देखा था, ये किस में मिल रहा था हमको, मेलनोग्लोसिस में, मेलनोग्लोसिस या फिर हेमिकॉर्डेट्स में देखने को हमें मिल रहा था, ठीक है ना। प्रोबोसिस के पार्ट में ये ग्लैंड प्रेजेंट हुआ करता था, ठीक है ना, और इसका फंक्शन क्या था, एक्सक्रीटरी था। तो 53 का जो आंसर यहाँ पर क्या होगा, डेट विल बी 2। ये सारा कुछ हमने बच्चों डिस्कस करके रखा हुआ है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 54। ओके, तो 54 क्वेश्चन नंबर हमको यहाँ पर क्या कह रहा है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 54 है यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग बड़ा मजा आता है, तो आप लोगों को देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग करेंगे यहाँ पर, मैच द एनिमल्स इन कॉलम 1 विथ देयर कॉमन नेम्स इन कॉलम 2। मतलब कॉलम 1 में साइंटिफिक नेम देके रखा हुआ है, कॉलम 2 में जो है उसका कॉमन नेम क्या है वो हमको करना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे कि लिमुलस, लिमुलस को और क्या किस नाम से जाना जाता है, लिमुलस को जो हम लोग यहाँ पर किंग क्रैब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर अफ्यूरा के, ऑफ्यूरा किसे कहा जाता है, अगर ऑफ्यूरा के बारे में कहें तो ये हम किसे कहा जाएगा, ब्रिटल स्टार को ऑफ्यूरा कहते हैं, ठीक है ना। टीनिया किसको कहा जाता है, टेप वर्म को टीनिया कहा जाता है आपको, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग बात करें डेंटेलियम, तो डेंटेलियम क्या है आपका, टस्क सेल, टस्क सेल को हम लोग कहते हैं यहाँ पर डेंटेलियम, ठीक है ना। और आपका क्या बचा है यहाँ पर, मेड्रिनिया, ये मेड्रिनिया आपका क्या है, दिस इज द ब्रेन कोरल, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने मैच द फॉलोइंग कर लिया, तो इस हिसाब से आप हमको सही ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 सही है। लिमुलस को हम लोग क्या कहते हैं, लिमुलस इज ऑल्सो नोन एज योर किंग क्रैब, ठीक है ना। ये हो गया आपका। ऑफ्यूरा क्या है अपना, ब्रिटल स्टार है, ऑफ्यूरा इज द ब्रिटल स्टार, ठीक है ना। टीनिया को क्या कह रहे हैं हम लोग, टेपवर्म कह रहे हैं, थोड़ा ऊपर चला गया एक सेकेंड। टीनिया को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, टेपवर्म कहेंगे, ठीक है ना। देन डेंटेलियम इट इज योर टस्क सेल कॉमन नेम है, एंड मेड्रिडियम इज योर ब्रेन कॉर्न, ठीक है। तो आंसर इस हिसाब से 2 होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, विल बी डिस्कसिंग 55। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा फाइलम के दो एनिमल्स का जो है यहाँ पर आपको एग्जाम्पल पूछा है। एकदम आंसर हमारा फर्स्ट में निकला हुआ है, मेलनोग्लोसिस एंड सेकोग्लोसिस, दीज आर द एग्जाम्पल्स। यहाँ पर अगर डोलियोलोम हुआ तो ये आपका लोअर फाइलम से बिलोंग करेगा, माइक्सिन हायर फाइलम से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। टीनोप्लूरा ये आपका नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर होगा वो 1 होगा आपका। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे जाएंगे और अगला हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना।
नेक्स्ट हम लोग जो है सेक्शन बी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग सेक्शन बी. ठीक है, सेक्शन बी. ये देखो हम जितना भी अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सारा हम लोग जो है नॉन कॉर्डेट्स का आपका डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, अब फिर उसके बाद हम लोग कॉर्डेट्स का जो है एक क्लास में डिस्कस करेंगे. तो इम्पोर्टेंट है आप लोग देखिए. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है. कैनल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा इज नॉट कंसर्न विद. ठीक है ना, तो पॉरीफेरा में जो आपको कैनल सिस्टम देखने को मिलता है वो किस चीज के साथ कंसर्न नहीं होता. ऑब्वियसली फूड गैदरिंग के साथ आपका कंसर्न होता है. कैनल से ही जो है आपके क्या होते हैं फूड वगैरह जो है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है पानी के साथ एंटर करते हैं. रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज इसमें भी इसका रोल होता है आपका. ठीक है ना, ये क्या करता है आपका जो वाटर के साथ उसके बॉडी के अंदर जो भी आपका फॉर एग्जाम्पल गैसेस वगैरह जाएंगे वो एक्सचेंज करेगा उसको. ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट. यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, वो वेस्ट को रिमूव करता है पानी के साथ में. लोकोमोशन में कोई जो है इसका रोल नहीं है कैनल सिस्टम. ठीक है ना, तो अपना जो आंसर यहाँ पर पूछा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट अबाउट कैनल सिस्टम इज लोकोमोशन. तो वन का आंसर जो होगा बच्चों यहाँ पर डेट विल बी योर टू. ठीक है ना, अब अगर हम लोग यहाँ पर टू के बारे में डिस्कस करें, फिर डिस्कस अबाउट द टू, तो सिस्टी सर्कस लार्वा इन टेप वर्म डेवलप्स इन. तो टेप वर्म में जो सिस्टी सर्कस लार्वा है ये कहाँ पर डेवलप होता है. ठीक है ना, तो लार्वा जो होता है टीनिया के सेकेंडरी होस्ट के अंदर आपका डेवलप होता है. ठीक है ना, और सेकेंडरी होस्ट से हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी टू, दैट इज द पिग. ठीक है ना, क्योंकि प्राइमरी होस्ट अपना क्या होता है मैन होता है. मैन के अंदर खाली फर्टिलाइज्ड एग जो है वो ले कर दिए जाते हैं. लेटर ऑन वो जो है आपके मैन के एक्सट्रीटा के साथ जो भी फिकल मैटर है उसके साथ बाहर आता है. पिग उसको खा लेता है आपका. खाने के बाद लेटर ऑन जो बाकी का जो लार्वा का डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है, सेकेंडरी होस्ट पिग के अंदर होता है. ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बच्चों क्लियर है और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा आज का क्विज. लेकिन मेरे को आप लोग जो है कमेंट में नहीं बोल रहे हो कैसा लग रहा है क्या लग रहा है, तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए आप लोग. ठीक है ना, तो कमेंट करके बोलो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है दोबारा से अगर समझाना है तो मेरे को बोलो मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं. नाउ विल बी डिस्कसिंग आवर क्वेश्चन नंबर थ्री. यहाँ पर कुछ लार्वा के ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए. क्वेश्चन नंबर थ्री, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा ऑफ लिवर फ्लुइड. लिवर फ्लुइड के लार्वा के बारे में पूछा गया, लेकिन कौन सा लार्वा फ्री स्विमिंग होता है. ठीक है ना, तो मैंने कहा था जो मिरासाडियम लार्वा होता है ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है और ये लार्वा आपका फीडिंग भी नहीं करता है क्योंकि इसमें माउथ एब्सेंट होता है जब तक कि आपने होस्ट को सेकेंडरी होस्ट को स्नेल के अंदर तब तक जब तक ये ना चला जाए. ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, द आंसर विल बी योर मिरासाडियम लार्वा. ओके ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर हमको क्या कह रहा है, द सेकेंडरी होस्ट ऑफ उचेरिया. उचेरिया आपका क्या है, इट बिलोंग्स टू द फाइलम दिस नीमाटोड्स. ठीक है ना, नीमाटोड्स में आपका बिलोंग करेगा. दैट ट्रांसमिट फेलेरियासिस. फेलेरियासिस को कैसे फैलाता है, तो फेलेरियासिस या फिर इसके लिए डिजीज का एक और नाम है एलिफेंटाइटिस. एलिफेंटाइटिस एक और आपका डिजीज का नाम है. इस डिजीज में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसके जो लोअर लिम्स होते हैं जो पैर वगैरह होते हैं वो हाथी की तरह फूल जाते हैं. आप लोगों ने देखा होगा. ठीक है ना, तो जब वो जो है हाथी की तरह आपका क्या होता है फूल जाता है. क्यों फूल जाता है हाथ पर, क्योंकि उसके लोअर लिम्स के लिम्फेटिक सिस्टम में जाके ये जो आपका उचेरिया है वो रिसाइड करता है, सालों साल रिसाइड करता है. और सीवियर कंडीशन में तो वो गोनाड्स को भी अपना अटैक बना देता, मतलब गोनाड्स को भी अटैक कर देता है. उनमें भी सीवियर स्वेलिंग्स आती हैं, डिफॉर्मिटीज आती है. ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कैरी करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो है क्लिवेक्स. ये आपका एक मॉस्क्यूटो का ही एक आपका क्या है, स्पीसी. ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो अ स्पीसीज ऑफ मॉस्क्यूटो. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर फाइव को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं. देखिए आप लोग, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर फाइव के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, इफ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर फाइव, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई ऑफ विच मोलस्कन ग्रुप रिसेंबल्स वर्टिब्रेट आई. ठीक है ना, वो वर्टिब्रेट आई की तरह नहीं होता है, उसका आपका ओरिजिन अलग होता है लेकिन फंक्शन आपका सेम होता है. ठीक है ना, ओके. तो हम जो यहाँ पर क्या देखते हैं, जो सिफेलोपॉड्स देखते हैं, सिफेलोपॉड्स जैसे कि आपका क्या हो गया एग्जाम्पल ऑक्टोपस, तो इनमें आपको जो आई आप जो देखते हो, ठीक है ना, ऑक्टोपस में That eye resembles. तो ये आपका octopus के octopus is a cephalopod, है कि नहीं?
हेड में ही इसको आपको क्या देखने को मिल रहा है, फुट या फिर आर्म्स आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहेंगे, सिफेलोपॉड कहेंगे। तो इसका जो आई है वो वर्टिब्रेट के आई को आपका क्या करता है, रिजेंबल करता है, खाली एक जैसा दिखते हैं खाली फंक्शन, लेकिन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है यहाँ पर क्लियर हो गया। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एनिलिडा है, ठीक है ना। ओके, लोकस्ट के बारे में बात करें, इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इन्होंने क्लोज्ड पूछा है। और मोलस्कास में आपका क्या होता है, आइदर इनमें ओपन हो सकता है नहीं तो क्लोज्ड हो सकता है, ठीक है। लेकिन कौन सा है वो तो हमको क्लियरली नहीं पता चल रहा है। नॉन सिफिलोपोड मोलस्कास में आपका क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे क्लोज पूछा है। अर्थोम में आपको क्लोज देखने को मिलेगा। हेमिकॉर्डेट्स, अगर हेमिकॉर्डेट्स के विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैव क्लोज सर्कुलेटरी, ओके, तो सिफिलोपोड मोलस्कास में आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अर्थोम में भी आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आंसर हमारा 3 होने वाला है, क्योंकि हेमिकॉर्डेट्स में यहाँ पर फिर से आपका क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर दिया, इसका आंसर आपका क्या होगा, 3 होगा। ओके, अब हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चंस क्योंकि यहाँ पर इजी हैं तो हम लोग थोड़ा सा जो है फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट ये होगा, फास्ट तो होना है लेकिन फास्ट के साथ एक्यूरेसी भी हमको क्या करना है, मेंटेन करना है। अगर बच्चों देखो, नीट के लिए अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो मैं हमेशा कहूंगा 1 घंटे का टाइम सेट कर लीजिए, और 1 घंटे के टाइम में 45-50 क्वेश्चंस आप निकाल लो एंड ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस विद इन 1 आवर। क्योंकि नीट में भी आपको जो है एक्चुअली नीट में आपको बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने के लिए 1 घंटा मिलेगा, 90 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो उस हिसाब से 30 मिनट्स में आप जो है 45 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ठीक है ना, ये होना चाहिए, 1 क्वेश्चन को हिसाब से टाइम बांट के करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान उन्हीं एनिमल्स का होगा जिनका आपका क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सिलेंट्रेट्स का, सॉरी स्पॉन्जिस का तो नहीं होगा, देन सिलेंट्रेटास या फिर निडेरियन इनमें भी नहीं होगा, टीनोफोर्स में भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, एस की हेलमिंथस, ठीक है ना। तो आवर आंसर विल बी हियर, एसके हेलमेंथिस, जिसमें हमको क्या देखने को मिलता है, ट्यूब इन ट्यूब या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करें, सीलोम डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज। तो सबसे पहले ब्लास्टोसील क्या होता है, ये मैंने आप लोग को कहा था, जब हमारा जो एम्ब्रायो होता है 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन होने के बाद, मान लो यहाँ पर 3 जर्म लेयर है आपके, ठीक है ना। तो 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन होने के बाद जो ओपनिंग होता है, पहला ओपनिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोफोर। तो ब्लास्टोफोर से जो बॉडी में आपका सीलोम बनता है, जो कैविटी बनता है, वो आपका होता है सूडो सीलोम या फिर फॉल्स सीलोम, ठीक है ना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो मेसोडर्म होता है वो सीलोम को आपका लाइंड अप करके नहीं रखता है दोनों तरफ, और ऐसे सीलोम को हम लोग क्या कहते हैं, सूडो सीलोम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जो ब्लास्टोसील से डिराइव होता है जो सीलोम, दैट सीलोम विल बी योर सूडोसीलोम। ओके, नाउ इफ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करें, क्या पूछा है देखते हैं। स्कीजोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलोमेट आर ए सिलोमेट, नहीं ये तो ट्रू सिलोमेट है, तो ट्रू सिलोमेट यस। वर्टिब्रेट्स हम नहीं कह सकते कि वो वर्टिब्रेट है, वो नॉन वर्टिब्रेट भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। एकाइनोडर्मेट्स, एकाइनोडर्म्स के बारे में, हाँ वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे क्योंकि ये क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स आपके एंटेरोसिलोमेट होते हैं, ठीक है ना, वो कॉर्डेट में आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपके जो है ये स्कीजोसिलोमेट वाले को उन्होंने वर्टिब्रेट, ये तो नहीं हो सकते ना आपके, तो ये ऑप्शन है, ठीक है ना। और एकाइनोडर्म्स ओनली नहीं, खाली एकाइनोडर्म्स ही आपके नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, ट्रू सिलोमेट। इसके ऊपर मैं बहुत बार आपको बोल भी चुका हूँ, ये जो स्कीजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट दोनों ही ट्रू सिलोम होते हैं, बनने का तरीका अलग होता है सिलोम, ठीक है ना। तो वी हैव डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, नेक्स्ट अब हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या कह रहा है यहाँ पर, हमको यहाँ पर कह रहा है कि सिंडोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ पोरिफेरा, नॉट सिंडोसाइट्स, सॉरी क्वानोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ पोरिफेरा, स्टेटमेंट 1 कह रहा है।
स्टेटमेंट टू हमको कह रहा है, इन साइकॉन टाइप कैनल सिस्टम बोथ रेडियल एंड इनकरेंट कैनल आर लाइंड बाय क्वानोसाइट्स। ये गलत होगा आपका, ठीक है ना, कि क्वानोसाइट जो है, जो अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है स्पॉन्जिस का, अगर स्पॉन्जिस में आप लोग देखो अंदर की तरफ जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, इसी को खाली जो क्वानोसाइट से आपके क्या करते हैं, लाइनिंग करते हैं। तो कोई भी जो कैनल वगैरह, जो कैनल आपका मान लो ये कैनल है, यहाँ से पानी अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस कैनल के लाइनिंग में आपको यहाँ पर क्वानोसाइट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो अपना क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा यहाँ पर, डेट विल बी योर 2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विदाउट एक्सेप्शन फॉर स्पॉन्जेस। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो स्पॉन्ज हर स्पॉन्जेस में अप्लाई होगा, ठीक है ना, वो एक्सेप्शन नहीं होगा किसी भी स्पॉन्जेस में। तो दे हैव ऑल कैलकेरियस स्पीक्यूल्स, ये गलत होगा पहली बार, क्योंकि इनमें जो है सिलिशियस स्पीक्यूल्स भी देखने को मिलता है। दे हैव हाई रिजेनरेटिव पावर, हाँ सारे के सारे स्पॉन्जेस में रिजेनरेटिव पावर होता है। दे आर फाउंड ओनली इन मैराइन वाटर, जी नहीं, मैराइन वाटर में ही नहीं बल्कि हमको जो है फ्रेश वाटर में भी स्पॉन्जेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका स्पॉन्जिला। दे आर ऑल रेडियली सिमेट्रिकल, जी नहीं, ये तो आपके क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। तो स्पॉन्जेस में आपको हाई रिजेनरेटिव पावर देखने को मिलेगा, हाई, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं प्लैनेरिया, उनमें और भी ज्यादा हाई रिजेनरेटिव पावर होता है। बट अब हाई वर्ड मेंशन करके रखा है, ठीक है, ओके। सो दे हैव हाई रिजेनरेटिव पावर, ओके। तो यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल आफ्टर डाइजेशन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम। तो हाइड्रा में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, उसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पहली बात, और दूसरा बात जो वो एक्सक्रीशन करता है जनरल बॉडी सरफेस से करता है आपको, मतलब कि पहला तो वेस्ट मटेरियल को वो जहां से अंदर की तरफ ले रहा है वहीं से बाहर की तरफ वो भेजेगा, ठीक है ना, जिस ओपनिंग से। अब उस ओपनिंग को किस नाम से यहाँ पर बोला है हम देखते हैं, और जनरल बॉडी सरफेस से। तो माउथ ओनली ये तो नहीं होगा, बॉडी वॉल ओनली ये भी नहीं होगा, माउथ एंड बॉडी वॉल रेस्पेक्टिवली, हाँ रेस्पेक्टिवली मतलब माउथ से क्या करेगा वो डाइजेशन का जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंकेगा, और बॉडी वॉल से जो भी सेल्स में जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उनको बाहर फेंकेगा। तो इसका आंसर आपका 3 होगा, ठीक है ना। माउथ एंड टेंटेकल्स नहीं होगा, टेंटेकल्स से वो एक्सक्रीशन नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हमको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड लैक ऑफ सिंडोब्लास्ट आर कैरेक्टर्स ऑफ, ठीक है ना। कौन सा एनिमल बायरेडियली सिमेट्रिकल एंड लैक ऑफ सिंडोब्लास्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। हाइड्रा में आपको जो है यहाँ पर सिंडोब्लास्ट देखने को मिल जाएंगे, ऑरेलिया में भी मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन ये दो एग्जाम्पल देखिए आप, टीनो प्लेना एंड टीनो ब्रैंकिया, ये कौन से फाइलम से होंगे, टीनो फोरा वाले फाइलम से होंगे, और टीनो फोरा में हमको बायरेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है ना, और उनमें आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, सिंडोब्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये तो हमको सिलेंड्रेट्स में देखने को, ठीक है ना। तो इसके साथ ही जो हमारा 13 का आंसर होगा वो होगा 3, ओके। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें यहाँ पर, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस, मतलब इनमें कौन सा एनिमल है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें देखने को मिलेगा, एक बार ऑप्शन देख के आप लोग मेरे को यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है ना। तो फेसोलिया जो है प्लेटीहेलमिंथिस से आपका बिलोंग करता है, इसी में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यही करेक्ट है। एंक्लाइस्टोमा में आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉम्प्लीट, इसमें भी कॉम्प्लीट, एस्ट्रिस में भी कॉम्प्लीट आपको देखने को मिलेगा। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द फेसोलिया, ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 15, ओके। तो उसके लिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को आपका मूव कर देता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आपका क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। तो डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनेलिडास द प्लेटीहेलमिंथिस सोर्स, मतलब कि अगर हम एनेलिडा और प्लेटीहेलमिंथिस को यहाँ पर कंपेयर कर ले तो ऐसा कौन सा एक अलग कॉन्ट्रास्टिंग हमको जो है कैरेक्टर देखने को मिलेगा प्लेटीहेलमिंथिस, ठीक है ना। एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, ये तो कॉमन कैरेक्टर हो गया दोनों में ही, अच्छा नहीं ये कॉमन कैरेक्टर नहीं है, एनेलिडा में हमको बॉडी कैविटी देखने को मिलेगा, प्लेटीहेलमिंथिस लेकिन बॉडी कैविटी देखने को, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं है आपका, ये डिफरेंस। बाइलेटरल सिमेट्री दोनों में ही देखने को मिलेगा, ये आपका क्या हो गया कॉमन कैरेक्टर हो गया, ठीक है ना। ओके अगर सिमेट्री की बात करें रेडियल सिमेट्री, तो प्लेटीहेलमिंथिस में भी आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, एनेलिडा में भी बाइलेटरल सिमेट्री, तो ये भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमारा नहीं है। लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ सूडोसील के बारे में बात करें तो इन कॉन्ट्रास्ट टू द एनेलिडा प्लेटीहेलमिंथिस शोस सूडोसीलोम, ये सूडोसीलोमेट होते हैं, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ सूडोसील, तो 15 का आंसर यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है ना। एक सेकेंड, नहीं 15 का आंसर 4 नहीं होगा, 15 को हम लोग दोबारा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन कॉन्ट्रास्ट टू द एनेलिडास प्लेटीहेलमिंथिस सोर्स, तो एनेलिडा के कॉन्ट्रास्ट में मतलब ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो एनेलिडा के अलावा आपका प्लेटीहेलमिंथिस शो करेगा और वो ना तो कॉमन होगा ना तो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, यस इनमें बॉडी कैविटी होता है एनेलिडा में, इनमें बॉडी कैविटी आपका नहीं होता, ठीक है ना। ओके ये एसीलोमेट होते हैं, सुडोसिलोमेट होते हैं आपके एस की हेलमेंथिस, ठीक है ना। तो आंसर अपना 1 ही होगा, इसमें भी बायलेटरल सिमेट्री मिलता है, इसमें भी बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री तो दोनों में ही नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ सुडोसिल ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, 15 का 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ट्यूब फीट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ट्यूब फीट हमको देखने को मिलता है एकाइनोडर्मेटा, इसमें आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को, ठीक है ना। तो एकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल कौन सा है अपने यहाँ पर, स्टार फिश, ठीक है ना। डेविल फिश तो ऑक्टोपस होता है, जेली फिश नहीं होगा, कटल फिश भी, ठीक है ना। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा फाइलम का जो है आपका कैरेक्टर कौन सा नहीं होता, एक्सक्यूज मी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना। हेमिकॉर्डेटा के बारे में हम लोग जानते हैं, आधा जो है आपका कैरेक्टर शो करते हैं लोग कॉर्डेट्स का, प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकोट विच इज मेजोडर्मल इन ओरिजिन, यही गलत है, स्टोमोकोट का जो ओरिजिन होता है वो मेजोडर्मल नहीं होता। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो इनमें आपका प्रोबोसिस ग्लैंड होगा ही, ठीक है ना। तो 17 का आंसर 1 है हमको मिल गया, बाकी के ऑप्शन भी जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, लेकिन तो बाकी का अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, हाँ ठीक है ना आपका, ओके ओपन टाइप भी होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, ये भी करेक्ट है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 था वही हमारा आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में अगर बात करें, बॉडी ऑफ इंसेक्ट इज डिविजिबल इनटू, तो हमने डिस्कस किया था हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन में जो है इनका क्या होता है, बॉडी डिवाइडेड होता है। तो हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन हमको जो है ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया, ठीक है ना। तो 18 का आंसर 1 होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 19। अगर क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स आर, तो आर्थ्रोपॉड्स में आपको जो है कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आर्थ्रोपॉड्स में आपको जो ग्रीन ग्लैंड्स भी देखने को मिलते हैं, देन इनमें आपको मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स भी देखने को मिलते हैं, तो आंसर होगा ग्रीन ग्लैंड्स एंड मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, बाकी नेफ्रिडिया आपका गलत होने वाला है और अकेला मेल्फीजियन ट्यूब्यूल भी आपका नहीं। 19 का आंसर हमको मिल गया, दैट इज द 2, ओके। नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों अगर आप लोग मेरे लेक्चर को सुन रहे हो तो थोड़ा कमेंट वगैरह कीजिए, ठीक है ना। अगर आप लोग लेक्चर सुन रहे हो तो यहाँ पर मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके अभी मेरे को कमेंट नजर आ रहा है, तब से कमेंट लोड ही नहीं हो रहा। ओके ठीक है, चलो 19 का 2 बोल रहे हो आप लोग, ठीक है
वेरी गुड। तो नेक्स्ट जो है, अच्छा बच्चों मैं तब से कमेंट देख नहीं पा रहा था, मेरे को अभी कमेंट दिखाई दे रहा है, अगर किसी ने कोई डाउट पूछा है ना तो मेरे को पूछ, ठीक है, कमेंट में अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, कमेंट में अभी पढ़ रहा हूँ, अभी अभी आप लोग मेरे को बोलिए, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर पूछ रहे हैं अभिदा जी सर आप बीमार हो क्या? नहीं, थोड़ा सर्दी है बस, ठीक है ना। रेकी बोल रहे हैं मजा आ रहा है, ठीक है ना। रेबुल आप कमेंट देखते ही नहीं, रेबुल जी मेरा कमेंट तब से पता नहीं अपीयर नहीं हो रहा था, अभी मेरा कमेंट अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। सारे बच्चों एकदम पता नहीं क्या हो गया था, अभी कमेंट आ रहा है, अभी आप सबके कमेंट में पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आप लोग मेरे को कमेंट करते जाइए, मैं पढ़ता जाऊंगा, ठीक है ना। ओके ठीक है, अभी अभी अगर अभी अगर कोई डाउट है, अभी अगर कोई डाउट है तो अभी कमेंट पूछो, अभी जो भी कमेंट बताओगे मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है ना। अभी अभी कमेंट आप लोग दीजिए, ठीक है ना। ओके, नूर मोहसिन अहमद सर मजा आ रहा है, ठीक है ना। ओके ठीक है, अभी कमेंट दीजिए रुबुल जी। ओके, मैं तब से मेरा कमेंट पता नहीं आ क्यों नहीं रहा था, अपीयर नहीं होता, मुझे लगा कोई कमेंट कर ही नहीं रहा है आज, क्या बात हो गई, ठीक है ना। चलो अभी मजा आ रहा है। ओके नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट। तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग यहाँ पर? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 अभी हमको करना है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेंस ऑर्गन स्टैटोसिस्टिक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है बच्चों, एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द माउथ। ओके, एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द माउथ, दैट इज द एबोरियल एंड, इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मतलब अगर यहाँ पर अगर आपका माउथ है, ठीक है ना, यहाँ पर अगर माउथ देखने को मिल रहा है, इसके ऑपोजिट एंड में अगर स्टैटोसिस्ट ऑर्गन मिल रहा है बैलेंसिंग ऑर्गन, तो कौन सा एनिमल है, इस तरह का एनिमल कौन सा होता है, कौन सा एनिमल होगा, क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरह का जो अगर आपको आंसर देखने को मिलेगा, तो ये कौन सा एनिमल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, ये कौन सा एनिमल है, दो टेंटेकल है, टेंटाकुलाटा, तो ये क्या होगा आंसर, टीनोफोरा, ठीक है ना। ओके, तो टीनोफोरा में आपको जो है स्टैटोसिस देखने को मिलेगा माउथ के ऑपोजिट एंड में, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका आंसर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग यहाँ पर निपटा लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21, जॉनसन ऑर्गन प्रेजेंट इन द मॉस्किटो। सबसे पहले जो है जॉनसन ऑर्गन होता है ये मॉस्किटो में आपका क्या करता है, वाइब्रेशंस को सेंस करने के लिए हेल्प करता है आपका, ठीक है। आप देखना जब भी किसी मॉस्किटो को आप अगर चेस कर रहे हो मारने के लिए, वो आपसे आगे आगे भागेगा, क्योंकि उसको जो वाइब्रेशन जो होते हैं एयर में ऑलरेडी सेंस हो जाता है। अब इन्होंने उन ऑर्गन का नाम है जॉनसन ऑर्गन। अब ये लोग हमसे पूछ रहे हैं यार ये ऑर्गन मॉस्किटो के बॉडी में कहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। तो इसके एंटीना में प्रेजेंट होता है मॉस्किटो के, ठीक है। तो आंसर 21 का आपका क्या होने वाला है, 1, ठीक है। ओके ठीक है, चलो बच्चों ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, कमेंट में बताओ। हाँ, किसके पास दो मोबाइल है, एक मोबाइल में पबजी खेलता है, कोई दूसरे मोबाइल में वो अकाउंट ऑन करके रखता है, किसके पास दो दो मोबाइल है, जल्दी बताओ, कम ऑन, हमको पता चल जाता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। बच्चों 22 का 2 बोला है यहाँ पर, ये तो इजी है, आप तो बता पाओगे 22 का 2 होगा आपका यहाँ पर, है कि नहीं। मैंने ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, फिर मैं 2 बोल रहा हूँ, आप लोग के कॉन्फिडेंस आ गया मुझे इसे। तो रेडुला क्या है, ये रेडुला मिलता है मोलस्का में, माउथ में होता है, ये रेस्पिंग ऑर्गन होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन मोलस्का। तो आपका ये क्या होगा, इसका आंसर 2 होने वाला है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें 23 के बारे में, ठीक है बच्चों। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं जो है 5-6 दिन के लिए घर चला गया था, ठीक है ना, मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए आप लोगों का क्लास नहीं ले पाया मैं, लेकिन अभी एकदम जो है हम लोग पूरा क्लास करेंगे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, व्हाट इज द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू द मेटामॉर्फोसिस इन्वॉल्व। ओके, तो बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इन्होंने एक टर्म यूज किया है मेटामॉर्फोसिस, दे हैव यूज्ड द टर्म, द टर्म इज योर मेटामॉर्फोसिस, ये मेटामॉर्फोसिस टर्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर कोई भी एनिमल अपने लाइफ टाइम में अडल्ट होने तक, ठीक है ना, कोई भी एनिमल अपने लाइफ टाइम में अडल्ट होने तक अलग अलग चेंजेस से जा रहा है, ठीक है ना, उसके बॉडी में अलग अलग चेंजेस आ रही है, अलग अलग स्टेजेस आ रहे हैं उसके लाइफ में, उसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि एग, एग से फिर आपका क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा, ठीक है ना, लार्वा फिर मान लो आपका क्या बन गया, एडल्ट बन गया, ये बड़ा हो गया और ये एडल्ट बन गया आपका, इट बिकम एडल्ट, ठीक है ना, तो ये एडल्ट बन गया आपका मान लो, ठीक है ना। तो उसके लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आए, जैसे कि एग इनकम्प्लीट डेवलपमेंट में आपको मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा,
सॉरी इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि एग हो गया, एग से बनेगा लार्वा एंड लार्वा से बनेगा आपका क्या एडल्ट। अब बच्चों बड़ी बात यह है, ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये आपको अलग अलग तरह का देखने को, ठीक है ना, ये अलग अलग तरह का मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा जिसमें आपका होता है पोरो मेटाबोलस इंसेक्ट्स हम कहते हैं ओके, या फिर पोरो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस कहेंगे, या फिर हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस कहेंगे, या फिर होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस कहेंगे, ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस कहेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये जो अलग अलग तरह के मेटामॉर्फोसिस है इसमें उस एनिमल के जीवन काल में कौन कौन से स्टेजेस आती हैं जब तक कि वो फुल्ली एडल्ट ना हो जाए या फिर फुल्ली जो है आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज में ना पहुंचे, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरह के मेटामॉर्फोसिस मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तरह वाला मैं आप, और ये आपको मेटामॉर्फोसिस किसमें देखने को मिलेंगी, इंसेक्ट्स में देखने को मिलेंगी, आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, जो फाइलम में आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला वाला हो गया पारो मेटाबोलस, तो जो पारो मेटाबोलस डेवलपमेंट होता है यहाँ पे जो इमेच्योर स्टेज होता है, ठीक है ना, एनिमल के लाइफ में जो इमेच्योर स्टेज होता है वो अडल्ट की तरह सेम होता है, तो इमेच्योर स्टेज सेम एज अडल्ट, इमेच्योर स्टेज सेम एज अडल्ट, मतलब कि जो इमेच्योर जो एनिमल आपका जिस तरह का दिखेगा, ठीक है ना, ये मान लो इमेच्योर एनिमल है तो ये अडल्ट की तरह आपका सेम नजर आएगा, मान लो ये अडल्ट है, अडल्ट की तरह सेम नजर आएगा, खाली अडल्ट में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इस आपके किसमें यंग वाले में आपके क्या होंगे, मिसिंग होंगी बस, ठीक है ना। जैसे कि और क्या कॉमन देखने को मिलेगा, सेम फूड ये दोनों खाएंगे, अडल्ट और जो आपका क्या है यंग वन है वो सेम फूड खाएंगे, ठीक है ना, एंड सेम हैबिटेट, और सेम हैबिटेट में भी रहेंगे, ठीक है ना। और इनमें डिफरेंस खाली ऐसा आ जाएगा, जो यंग वन होता है उसका खाली क्या नहीं होता, विंग्स थोड़ा एबसेंट होता है आपका, ठीक है ना, ओके। तो एक्सटर्नल ईयरबड्स होता है, एक्सटर्नल दे हैव ईयरबड्स, या फिर विंग बर्ड कह लो, ठीक है ना। तो यही विंग बर्ड है जो लेटर ऑन डेवलप करके आपका क्या बन जाता, विंग बन जाता। तो मतलब कि पोरो मेटाबोलस इंसेक्ट में आपका क्या होता है, उतना ज्यादा चेंज हमको देखने को नहीं मिलता, थोड़ा सा चेंज खाली आपको यंग वन और एडल्ट वन में देखने को मिलता, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल में कौन कौन से आ जाएंगे, इसके एग्जांपल में से कॉकरोच आ जाएगा, फिर एक और एग्जांपल आ जाएगा जैसे कि आपका ग्रास ओवर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, पोरो मेटाबोलस। तो पोरो मेटाबोलस में आपका एक एग्जाम्पल क्या हो गया, आपका ग्रास ओवर, ठीक है। अब बात करते हैं हेमी मेटाबोलस, ये हेमी मेटाबोलस क्या होगा, तो हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट में लाइफ में चेंजेस कैसे आता, तो इनका तो लाइफ साइकिल होता है, इनके लाइफ साइकिल में सबसे पहले आपको एग देखने को मिलेगा, एग से ये जो इनका लार्वल स्टेज आएगा या फिर यंग स्टेज होगा उसको निम्फ कहेंगे, लिम्फ आपका फ्री मूविंग होगा, फिर ये बनेगा अडल्ट, ठीक है ना। मतलब एग निम्फ देन अडल्ट, इनके लाइफ साइकिल आपको इस तरह का देखने को मिलेगा हेमी मेटाबोलस, मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या एब्सेंट रहेगा, प्यूपल स्टेज एब्सेंट, ये प्यूपा नहीं बनाएंगे आपका, प्यूपा मतलब कुकून जो कहते हैं ना, जो कुकून बनता है आपका सिल्कवर्म वगैरह का देखा होगा, उसमें से फिर आपका एडल्ट बाहर निकलता है कि नहीं, तो इनमें प्यूपल स्टेज आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग कहें आपका ड्रैगन फ्लाई, एग्जाम्पल हो गया आपका ड्रैगन फ्लाई, तो हेमी मेटाबोलस में आपका क्या आ गया, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई आ गया, ठीक है ना। फिर आगे देखने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो पैरा मेटाबोलस में हमने क्या ड्रॉ किया था, यहाँ पर ग्रास ओपर, हेमी मेटाबोलस में आ गया ड्रैगन फ्लाई। अब हम देखते हैं कि होलो मेटाबोलस क्या होता है, होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। तो होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस में आपका क्या होता है, जो लाइफ साइकिल होता है इट इंक्लूड्स, इसमें कंप्लीट होगा, इसमें एग मिलेगा, एग से फिर आपका क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर प्यूपा बनेगा, और प्यूपा से जाके फिर बनेगा अडल्ट। जैसे कि आपने एरी मुगा सिल्कवर्म का लाइफ साइकिल देखा होगा, पहले एग होता है, एग से फिर लार्वा बनता है, लार्वा भी इनमें मेटामॉर्फोसिस करता है, ठीक है ना, फर्स्ट इंस्टर लार्वा,
सेकेंड इंस्टर लार्वा, थर्ड इंस्टर लार्वा, फोर्थ इंस्टर लार्वा, फिफ्थ इंस्टर लार्वा। फिफ्थ इंस्टर लार्वा फिर अपने चारों ओर एक कुकून बनाता है जिसको हम लोग प्यूपा फॉर्मेशन भी कहते हैं। फिर यहाँ से आपका क्या होता है, जो अडल्ट मौत है वो बाहर की तरफ आपका निकल जाता था, अडल्ट मौत इससे बाहर निकलता है, फिर ये होता है इनका अडल्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो होलो मेटाबोलस में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिल्क वॉर्म। और ए मेटाबोलस इंसेक्ट उस एनिमल को कहेंगे जिनमें जो है आपका यंग वन और जो अडल्ट वन होंगे उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, खाली यंग वन जो है अपने साइज में क्या करेगा वो बड़ा होगा खाली अपने, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ए मेटाबोलस में अपना आ जाता है सिल्वर फिश। तो इसके साथ ही हमारा जो इसका आंसर होगा, इसके साथ ही अगर हम इसके आंसर के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 23 का, अगर आप लोग मैच करके देखो तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, फिर से मैच कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, उसका आंसर आपका होना चाहिए वन, ठीक है ना। देखिए पैरा मेटाबोलस में आपका क्या हो गया, ग्रास ऑपर। एमी मेटाबोलस में आ गया आपका ड्रैगन फ्लाई। होलो मेटाबोलस में आपका आ गया सिल्कवर्म। एंड ए मेटाबोलस में आ गया यहाँ पर सिल्वर फिश, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है सारे बच्चों का क्लियर हो गया है यहाँ पर। तो मेटामॉर्फोसिस के ऊपर मैंने अभी आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत नॉलेज दिया, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट मेटामॉर्फोसिस। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ क्या आप क्लियर है, क्लियर हो? कमेंट मारो, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर आते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है। अरे इतने कम बच्चे हैं क्यों, बुला बच्चों को भाई, क्विज चल रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 में डिस्कस करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी टेकन एज अ कैरेक्टर ऑफ नॉन गॉडेड। इसमें से एक कैरेक्टर नॉन गॉडेड का हम लोग मान नहीं सकते, मतलब एक गलत कैरेक्टर देके रखा हुआ है नॉन गॉडेड्स का। कौन सा गलत कैरेक्टर है, चलो पता लगाएं। एब्सेंस ऑफ नोटोगॉड, हाँ इनमें नोटोगॉड एब्सेंस होता है, करेक्ट है। हार्ट इज वेंट्रल, ये गलत हो गया, इनमें जो हार्ट होता है हार्ट इज इनमें डॉर्सल होता है। जो आपके कॉर्डेट्स होते हैं उनमें हार्ट का जो पोजीशन होता है वो वेंट्रल होता है, नॉन कॉर्डेट में लेकिन डॉर्सल होता है। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, इनमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होता है, करेक्ट है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट, जी हाँ काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो हमने देखा हमको मिल रहा था आर्थ्रोपॉड्स में, ठीक है ना। तो यही अपना गलत है, तो 24 का आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, 2 होगा, ठीक है ना। ओके अच्छा, अभिदा चौधरी कह रही है इनका नेटवर्क स्लो है, सोमैया फर्जिन कह रहे हैं इनका भी नेटवर्क स्लो है, कोई बात नहीं, थोड़ा लैग होगा आप लोगों का जिनका नेटवर्क स्लो है, ठीक है ना। और बाकी बने रहिए मेरे साथ, कमेंट मारो, कमेंट तो जल्दी आ जाएगा मेरे पास, जल्दी कमेंट पहुंच जाएगा, ठीक है ना, तो कमेंट मार दो। तो क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले, विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 हमको पूछ रहे हैं पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेंटिक वॉर्म। डाइजेंटिक वॉर्म इसको कहते हैं जो अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, उसको हम लोग कहते हैं डाइजेंटिक वॉर्म या फिर डाइजेंटिक पैरासाइट। अब नॉट आ पूछा है, पेसोलिया तो है, टीनिया भी है, बुचेरिया भी है आपका, तो ये जो एंटेरोबियस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिन वॉर्म भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज अ पिन वॉर्म, ठीक है ना। ये आपका डाइजेंटिक नहीं है, ठीक है ना, ये डाइजेंटिक नहीं है। और ये जो है आपका कहां पर होता है, ह्यूमन के ब्लड में होता है, ब्लड से लिवर वगैरह में आपका चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद वो फीसस फेकल मैटर के साथ बाहर आ जाता है, फिर जो कॉन्टामिनेटेड फूड वगैरह दोबारा कंज्यूम करता है तो दोबारा से ह्यूमन में चला जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका डाइजेंटिक नहीं है, ठीक है। तो 25 का जो हमने यहाँ पर आंसर डिस्कस किया है वो होगा 3, ठीक है ना। ओके रेकिप ने सही आंसर दिया है 3, सुबह मंडल का थोड़ा सा गलत हो गया, अब नेक्स्ट टाइम आप ये गलती नहीं करोगे लेकिन, ठीक है ना। तो जो जो गलत आंसर दे रहा है एकदम टेंशन नहीं लेना है, सीखने के लिए तो हो, है ना, लेकिन सीखने के बाद फिर जो है आपको गलत आंसर नहीं करना है, ठीक है। तो जो जो आंसर सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं सबके लिए ये जो है सेशन लाभ में आ रहा है, ठीक है ना। ओके हाँ ये डाइजेंटिक नहीं है। ओके नेक्स्ट हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, इन विच ग्रुप ऑफ द मॉलस्क का टॉर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इवन इन द लाइफ हिस्ट्री। याद कीजिए मैंने मोलस्का पढ़ाया था, और मोलस्का जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि मोलस्का
में जो सिमेट्री होता है बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है एक्सेप्ट आपके क्या हो गए एक्सेप्ट गैस्ट्रोपॉड्स। गैस्ट्रोपॉड्स एसिमेट्रिकल होता है क्योंकि गैस्ट्रोपॉड्स में टॉर्सन होता है जिसके कारण बॉडी उनका 180 डिग्री घूम जाता है और वो क्या हो जाता है आपके एसिमेट्रिकल हो जाता है। तो 26 का इसके साथ ही क्लियर कट हमको आंसर मिल रहा है वन गैस्ट्रोपॉड। इसलिए बच्चों क्लास करना चाहिए, जो बच्चा क्लास करता है वो आंसर दे पाता है अच्छे से, है कि नहीं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा यहाँ पर जो है यहाँ पर सोहिदुल इस्लाम ने कहा है सर आज 30 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो भाई बाकी बच्चों का क्या कहना है, एग्री करते हो या फिर हम गाड़ी को और आगे बढ़ाएं? मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रात तक बैठा रहूंगा क्वेश्चन सॉल्व कराते रहूंगा, आप लोग बताओ। 27 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेफ्रिडिया आर नॉट फाउंड इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में हमको किस कौन सा जो है नेफ्रिडिया देखने को नहीं मिलता है। देखो एक्चुअली अर्थवर्म में आपको जो नेफ्रिडिया देखने को मिलता है वो उसके बॉडी के अलग अलग पोजिशन के ऊपर बेस करके उन नेफ्रिडिया को आपका नाम दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग यहाँ पर 27 के बारे में बात करें, जैसे कि सेप्टल नेफ्रिडिया ये अर्थवर्म में मिलेगा, फेरेंगियल फोटो नेफ्रिडिया ये भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। इंट्रोग्रुमेंट्री नेफ्रिडिया ये भी आपको मिलेगा, उसके इंट्रोगट में होगा, इंट्रोगमेंट में होगा, लेकिन प्रोटोनेफ्रिडिया आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। प्रोटोनेफ्रिडिया अगर आप लोग याद करो तो प्लेटी हेलमेंथिस वगैरह में हमको जो प्रोटोनेफ्रिडिया ये स्ट्रक्चर मिल रहा था एक्सट्रीशन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर 27 का आंसर 4 हो गया। 28 हम लोग डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपॉड द एग हैच विद इन द फीमेल बॉडी देन दे Bring forth the young alive. याद करो मैंने कहा था यहाँ पर कि जो जितने भी आपके क्या होते हैं आर्थ्रोपॉड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं ओविपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग होते हैं। लेकिन उसमें से मैंने एक ऐसे आर्थ्रोपॉड का एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था याद करो बर्थ के टाइम पे इसकी माँ मर जाती है क्योंकि जो बच्चे होते हैं इसके पेट फाड़ के बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसका यहाँ पर, तो आंसर मैंने कहा था कि वो स्कॉर्पियन होगा, है कि नहीं। तो स्कॉर्पियन में ऐसा होता है माँ के पेट के अंदर ही जो है बच्चे का हैच हो जाता है अंडों में से और वो बच्चे माँ का पेट फाड़ के जो है बाहर निकलते हैं। तो आंसर है यहाँ पर स्कॉर्पियन। और ये जो बिथुअस आपको देखने को मिल रहा है, फिर बथुअस देखने को मिल रहा है, ये स्कॉर्पियन का ही एक स्पीसीज है, नेम ऑफ द स्पीसीज ऑफ एन स्कॉर्पियन। तो आंसर होगा इसका 328 का होगा 3। ये नाम याद रख लेना बच्चों, वैसे स्कॉर्पियन भी पूछ लेते हैं लेकिन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, नए नए चीजें जो है आपको यहाँ पर सीखने को मिलती रहेंगी। ओके नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29। तक जितना हो सके उतना करेंगे सर, ठीक है चलो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ओके तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ओके तो क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपॉड्स द डेवलपमेंट इज प्लूरोमेटाबोलस। थोड़े देर पहले मैंने प्लूरोमेटाबोलस आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया था, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और जिसमें आपका जो यंग वन है वो अडल्ट को ही आपका मैच करता है, उसका फूड हैबिटेट भी सेम होगा, प्लस उसका जो है फूड और हैबिटेट दोनों सेम होंगे, खाली विंग्स वगैरह आपका नहीं ग्रो होता है बस, ठीक है ना। So the young hatch from the eggs resemble the adult and often occupy the same habitat and grow by molting. ठीक है ना। तो आंसर अपना क्या होगा, एग्जाम्पल में याद करो मैंने कॉकरोच और क्या बताया था आप लोगों को, ग्रास हॉपर। तो कॉकरोच अपना कौन है यहाँ पर, पेरीप्लैनेटा, इट इज द कॉकरोच, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, 29 का जो आंसर है आपका यहाँ पर 4 होगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर 40 तक करने को बोला है, रकीब मंडल कह रहे हैं कि 40 तक कीजिए, मंजित बोरा बोल रहे हैं आज 3 आवर्स सर प्लीज। हाँ मैं रेडी हूँ, अगर बाकी बच्चे रेडी है तो मैं 3 आवर्स कर सकता हूँ यहाँ पर। 3 आवर्स तो नहीं लगेगा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमको फिर से ये क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, ठीक है। और ये मैच द फॉलोइंग में क्या पूछ रहा है हमको, मैच द फॉलोइंग में इन्होंने पूछा है कि विच वन, एक सेकेंड ये बड़ा हो गया। तो यहां पर पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फाइलम, अच्छा तो ये आपका कौन सा क्लास ऑफ फाइलम है इन द मोलस्का इज इनकरेक्टली मैच विद जनरल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा, ये सारे क्लास है बच्चों, जैसे गैस्ट्रोपोडा आपका एक क्लासिफिकेशन याद है ना मोलस्का का, उसमें क्या क्या था, गैस्ट्रोपोडा था, बाइवेल्विया था, सिफेलोपोडा था एंड प्लेकेफोरा था आपका। तो इसमें से कौन से क्लास का जो आपका कैरेक्टर है वो गलत मैच करके रखा हुआ है, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा, ये देखिए, लार्वा आर बायोडेंटली सिमेट्रिकल बट इन अडल्ट द ट्विस्टिंग ऑफ विसरल ऑर्गन, मतलब टॉर्सन की बात कर रहे हैं, मेक्स देम लूज द सिमेट्री लाइक लैंड स्नेल एंड सेल सेललेस फॉर्म स्लग अ सेललेस फॉर्म लिव ऑन लैंड, ठीक है ना। ये करेक्ट है आपका, गैस्ट्रोपॉड्स में हमको टॉर्सन देखने को मिलता है जिनमें उनका बॉडी क्या हो जाता है आपका एसिमेट्रिकल हो जाता है। बाइवेल्विया की बात करें, दीज आर सेडिमेंट्री फिल्टर फीडर, यस बाइवेल्विया मतलब कि इस तरह से आपका जो भी ये आपका ऑयस्टर वगैरह आ जाते हैं उन सारों को हम लोग क्या कहते हैं, बाइवेल्विया कहते हैं, करेक्ट है। ओके, सिफेलोपोडा के बारे में अगर बात करें, दे आर एट द एपेक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लर्नड बिहेवियर, दे एग्जिबिट द आईज आर इमेज फॉर्म्ड सेम व्हाट सिमिलर टू आवर्स, ओके इमेज फॉर्मिंग, ओके। तो एक्चुअली क्या, सिफेलोपोडा जो है आपका ऑक्टोपस वगैरह जो है, ये हम कह सकते हैं कि दे आर द एपेक्स एट द इनवर्टिब्रेट इवोल्यूशन, इनवर्टिब्रेट इवोल्यूशन के एकदम ये ऐसे टॉप पर है जहां पर इनका जो आई है वो हमारे फंक्शन से मिलता है, मतलब इमेज बनाता है आपका, लेकिन सेम तरीके का इमेज नहीं बनेगा आपका, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो ये क्या है, लर्न बिहेवियर, ये लोग आपका एग्जिबिट शो कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें अगला ऑप्शन क्या है, रुको, नेक्स्ट अगर हम लोग पॉलीप्लेकोपोडा के बारे में आए, फिर पहले प्लेकोपोडा के बारे में आए, तो दे हैव सेंसरी टेंटेकल्स, तो इनमें कहा है कि इनमें क्या होता है, सेंसरी टेंटेकल्स होता है एंड देयर फुट इज रिड्यूस इनटू अ टंग शेप स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प देम टू बरो इनटू द सी फ्लोर। तो ये गलत है, ये जो एनिमल्स होंगे ये भी आपके इसी तरह के होते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको इसी तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, मसल जैसे एनिमल आपको देखने को, ठीक है। तो ये भी आपका, यही जो है आपका गलत मैच हो रहा है, ठीक है ना, ओके। तो इसका जो आंसर, जो गलत आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 4 होगा, वही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर सोहेदुल पूछ रहे हैं, सर कल एग्जाम है, कैन यू प्लीज गिव सम एक्सटेंशंस आफ्टर ऑनलाइन क्लास सर। किस चीज का एक्सटेंशन चाहिए आपको, ओके आप जितने बजे तक करेंगे हम उतने देर तक रहेंगे सर, ये नोट करना पड़ेगा क्या, जी नहीं, नोट करने की क्यों जरूरत है, मत नोट कीजिए, ये सारा का सारा क्या है आपका क्वेश्चन, नोट करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो रिजबुल पर है सेम क्वेश्चन, तो लक्ष्मी अहमद, ओके। यहाँ पे ब्रिज कोर्स ग्रुप का कोई है क्या, रिजबुल अहमद कह रहे हैं, बीसी ग्रुप का तो यहाँ पे है शायद बच्चे, कोई ना कोई तो होगा, ठीक है ना, ओके। पहले प्लेकोपोडा, प्लीज, पहले प्लेकोपोडा का जो फुट होता है वो एक्स शेप होता है, लेकिन उन्होंने फुट रिड्यूसिंग बोला है, ये गलत हो गया आपका, टंग जैसा रिड्यूसिंग होता है, दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है बच्चों। तो थोड़ी देर और डिस्कस करते हैं, मेरे साथ बने रही आप लोग, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है, तो और चलो 40 तक कर लेते हैं डिस्कशन हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो है आपका नॉन पॉडेट का और भी बचा हुआ है, आपको सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ निमाथ हेलमिंथिस, मतलब ये किसके बारे में पूछ रहा है, एसकी हेलमिंथिस के बारे में इन्होंने पूछा है, उनका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सूडोसिलोमेट, ये तो है आपका, दे आर पॉसिबली द मोस्ट एबंडेंट अमंग द एनिमल्स, यस ये सारे एनिमल्स में आपके एबंडेंट भी होता है, ठीक है। अब एक बात कंफ्यूज मत करना, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, वहां पे जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो सबसे ज्यादा एबेंडेंट है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपका जो है निमाथ हेलमिंथिस, दे आर एबेंडेंट, ये आपको एबेंडेंसी में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 का अगर और भी हम डिस्कस करें, द फॉल्स बॉडी कैविटी अलाउज बॉडी वॉल मसल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक मसल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यस। तो फॉल्स बॉडी सिंड्रोम के कारण इनका एक और इनमें डिसएडवांटेज होता है कि सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनमें आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो नहीं करता, इसलिए इनका जो फेरिंग्स होता है वो मस्कुलर होता है आपका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 4th है, बॉडी वॉल हैज लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल एंड इलास्टिक क्यूटिकल, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया,
इनके बॉडी में खाली लॉन्गिट्यूडनल मसल देखने को मिलता है। तो इसके साथ ही ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो गया और आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर 4 ही होगा। ठीक है ना, ओके। मेरे ख्याल से बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग, ये बहुत इजी इजी अभी लग रहा होगा। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है ना, इजी लग रहा है कि नहीं पहले बच्चों ये बोलो तो, मेरे को पढ़ के इजी लग रहा है कि नहीं? पढ़ के जो सारे जो क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा टफ लग रहा है आपको, है कि नहीं? प्लेगोपोडा क्या है सर? शुभम मंडल पूछ रहे, ये आपका क्या है? ये आपका क्लास है, मोलस्का का क्लास है, जिसके कैरेक्टर्स वहां पर उन्होंने गलत लिख के रखे थे। ठीक है ना, तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया आप, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस तो ये तो बताओ आपको इजी लग रहा है कि कैसा लग रहा है? क्वेश्चंस मेरे को थोड़ा बताओ, इजी लग रहा है ना? तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, इसलिए मैं ये कहता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, हमारे क्लासेस करने का मेन मतलब क्या है अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो? नीट में क्या करना है? नीट में आप लोग को जाके क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। मेन एम ऑफ द क्लासेस शुड दैट वी आर एबल टू डू आवर क्वेश्चन। ठीक है ना, इस बात का जो है ख्याल होना चाहिए सबको, मैं भी रखता हूँ, आप लोग भी रखिए। ठीक है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व सबका होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो पढ़ के ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है आपको। ठीक है ना, तो देखें क्वेश्चन पढ़ेंगे। कॉलम टू बिलो कंसिस्ट ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग बिटवीन द कॉलम वन एंड कॉलम टू। तो कॉलम वन और कॉलम टू के बीच में कौन सा आपका क्या है यहाँ पर इनवैलिड, मैच नहीं हो रहा है? मिलीपीड, ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म विद टू पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, अटैच्ड टू ईच ऑफ इट्स मेनी बॉडी सेगमेंट्स एंड रेस्पायर थ्रू ट्रेकिया। ठीक है ना, तो मिलीपीड आपको क्या होगा, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मिलीपीड होता है इस तरह से आपको अपेंडिजेस इसके बॉडी में देखने को मिल जाएंगे और प्लस इसके बॉडी में आपको ट्रेकियल सिस्टम देखने को मिलेगा जिसके हेल्प से ये रेस्पिरेशन करता है। तो ये तो करेक्ट हो गया आपका। नेरिस नुम्ब्रस चीटे ऑन द लैटरल अपेंडिजेस पैरापोडिया। तो नेरिस भी हमने देखा था यहाँ पर इस तरह से एनेलिडा से बिलोंग करता है आपका। इसके साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा था, पैरापोडिया देखने को मिल रहा था जिसमें बहुत सारे चीटे हुआ करते थे, ये भी आपका करेक्ट है। टीनिया सोलियम की अगर बात करें, बॉडी कवर्ड विद क्यूटिकल एलिमेंट्री कैनल एब्सेंट, ये भी करेक्ट है। बॉडी क्यूटिकल से इनका कवर्ड अप रहेगा, होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से बचने के लिए एलिमेंट्री कैनल एबसेंट होता है इनमें, क्योंकि पैरासाइट है तो एलिमेंट्री कैनल की जरूरत नहीं पड़ती, फूड डाइजेशन की इनको जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, टीनोफोर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है ना, टीनोफोर्स में रेडियल सिमेट्री होता है मोस्ट, अगर हम लोग जो है प्रिसाइसली बात करें तो बाय रेडियल सिमेट्री होता है। डिवॉइड ऑफ सिंडोब्लास्ट, ठीक है, सिंडोब्लास्ट नहीं होता। पॉलिप स्टेज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल, सबसे पहली बात तो पॉलिप स्टेज और ये जो मेड्यूसॉइड स्टेज है ये हमको सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है, फिर निडेरिया में देखने को मिलता है, टीनोफोरा में हमको देखने को नहीं मिलता है। 32 का जो आंसर आप लोगों के लिए यहाँ पर होगा, 32 का आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, इट विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो मैं थोड़ा ऊपर करना भूल गया, आप ऊपर कर देता हूँ, ऑप्शन आप लोग पर देख लीजिए इस तरह से, ठीक है ना। तो हमको जो गलत यहाँ पर मिलने वाला है वही हमको यहाँ पर गलत मिलने, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ साइकिल में पॉलिफ और मेड्यूसा फॉर्म नहीं होता है टीनोफोरा के लाइफ साइकिल में, ठीक है ना। प्लस ये बायरेडियल सिमेट्री भी होता है, नॉट रेडियली सिमेट्रिक। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करते हैं, ओके। नेक्स्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इन हनी बीज एंड बटरफ्लाइज द गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आर लोकेटेड रेस्पेक्टिवली ऑन। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग यहाँ पर करें कि ये जो आपका गस्टेटरी रिसेप्टर है, गस्टेटरी रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है ये स्मेल डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, सॉरी नॉट स्मेल, मैंने गलत लिख दिया, ये टेस्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। गस्टेटरी रिसेप्टर इज फॉर टेस्ट, टेस्ट रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर होता है। और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है आपका, ये होता है स्मेल, स्मेल डिटेक्ट करता है, ये आपका क्या कर सकता है, स्मेल डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। अब अगर बात करें ये आपके हनी बी में कहां लोकेटेड, हनी बी और बटरफ्लाई में ये कहां लोकेटेड होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि कौन सा, जो टेस्ट को डिटेक्ट करने वाला रिसेप्टर और प्लस आपका जो है दिस स्मेल
स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर होता है। सबसे पहली बात, जो हनी बी होते हैं या फिर जो बटरफ्लाई होते हैं, वो किसी भी फूल के ऊपर बैठते हैं, और उस फूल के ऊपर जब बैठते हैं तो उनका जो फीट होता है उसमें गैस्ट्रेटेड रिसेप्टर होता है, और उनको जो फूल में जो नेक्टर होता है उसका टेस्ट मिलता है उनको। तो लेटर ऑन जो उसी फीट में पोलन वगैरह लग जाते हैं, और यही जो आपका हनी बी या फिर बटरफ्लाई है पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। और अगर एंटीना के बारे में बात करें तो एंटीना में इनका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है जिसके हेल्प से स्मेल डिटेक्ट करते हैं। आंसर होगा हमारा यहाँ पर 2, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग जो है आगे की तरफ डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमको क्या बोल रहा है, आप लोग देखिए। द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस, एक सेकेंड, ये बड़ा हो जाता है। The appropriate sequence of numbered animals from column 1 matching with the frequencies of the larva in column 2. अब ये क्वेश्चन इन्होंने लार्वा के ऊपर पूछा है बच्चों, ठीक है ना, कौन किसका लार्वा है, ठीक है। अगर 34 के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले जो प्लेनेरवा किसका लार्वा है, ये आपका लार्वा है सिलेंटेटा का लार्वा। तो सिलेंटेटा कौन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ओबिलिया। कोलोछोडियम अगर हम बात करें, ये मोलस्का का लार्वा, और यहाँ पर मोलस्का कौन दिखाई दे रहा है, मुसल से मोलस्कन। न्यूपाइलस जो आपका होता है, ये किसका लार्वा होगा, ये क्रैब का लार्वा होगा। मतलब न्यूपाइलस क्रस्टेशियंस का लार्वा होता है, और क्रस्टेशियन यहाँ पर क्या है, क्रैब, ठीक है ना। और क्रस्टेशियन हम किसको कहते हैं, क्रस्टेशियन हम उस एनिमल को कहते हैं जिसके बॉडी में क्या होता है, चेम्बर्स होते हैं, और उन चेम्बर्स में क्या होता है, उसके सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं। ऐसे एनिमल को हम लोग क्रस्टेशियंस कहते हैं, और उस एनिमल के बॉडी में एक्सोस्केलेटन भी होगा, किसका, काइटिन का, नॉट काइटिन सॉरी, ये आपका कैल्शियम का एक्सोस्केलेटन भी होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप क्रैब को, केकड़े को देखिए, उसके हाथ के बीच में थोड़ा सा सॉफ्ट मसल होगा, फिर और थोड़ा सा जो है आपका, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होंगे वो इसमें हार्ड सेल होगा, उनके अंदर सॉफ्ट मसल्स होंगे या फिर सॉफ्ट पार्ट होंगे, है ना, और उसके बॉडी में एक्सोस्केलेटन मिलेगा। ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्रस्टेशियन कहते हैं। क्रैब्स आ जाता है, लॉबस्टर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है ना, प्रॉन्स वगैरह आ जाते हैं आपके, दीज आर योर क्रस्टेशियंस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फोर्थ वाला हम देखें तो फोर्थ का आपका क्या होगा, जो सिस्टिसर्कस है, ये टीनिया का लार्वा है। सिस्टिसर्कस इज द लार्वा ऑफ टीनिया। तो इसके साथ ही जो हमको हमारा आंसर मिल गया, हमारा आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, 3। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका 3 होगा, मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस में हम लोग जाते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 35। ये तो आप लोगों के लिए जो है लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो आपका क्या है, सिंसाइटल एपिडर्मिस किस में प्रेजेंट होता है। याद कीजिए, मैंने प्लेटी हेलमिंथिस के बाद एक फाइलम पढ़ाया था एसकी हेलमिंथिस, तो मैंने वहां पर आपको कहा था उनमें आपको सिंसाइटल एपिडर्मिस मिलता है। तो एसकी हेलमिंथिस जो फाइलम या फिर नीमाटोड जो फाइलम है, उसमें से आपको कौन सा एनिमल यहाँ पर नजर आया, एस्केरिस। तो 35 का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। 36 के बारे में अगर फोन करें, 36 के बारे में अगर हम डिस्कस करें, क्वीन हनी बी लेज एग ऑफ, ठीक है ना। ये मैं पहले सबसे आपको बता देता, क्वीन हनी भी 2 तरह का एग ले करती है आपका, ठीक है ना। एक जो एग वो ले करती है वो होती है आपका फर्टिलाइज्ड एग, दूसरा वो ले करती है अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है ना। मतलब फर्टिलाइज्ड एग मतलब क्या कर सकती है, हनी भी जो है मेल हनी भी के बॉडी से स्पर्म को अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रख सकती है, ठीक है ना। जो फीमेल क्वीन हनी भी होती है वो स्पर्म को क्या करती है, अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रखती है। उसके बॉडी में एक ऐसा आपका क्या मिलता है, एक ऐसा ऑर्गन देखने को मिलता है जिसको कहते हैं स्पर्माथीका। अब उसका मर्जी होती है, क्वीन हनीबी की मर्जी होती है स्पर्म को जो है वो अपने बॉडी के अंदर एग के साथ फर्टिलाइज करे कि ना। जब वो फर्टिलाइज करके ले करती है तो निकलता है फर्टिलाइज एग, जिसमें से आपके क्या बनते हैं, वर्कर बीज। ये वर्कर बीज आपके क्या होते हैं, ये फीमेल होते हैं, ठीक है ना। और जब वो नॉन फर्टिलाइज्ड मतलब कि ओनली द एग, खाली एग को ले करती है, तो इसमें से जो आपका जो डेवलप होता है वो डेवलप होता है ड्रोन्स। ये आपके क्या होते हैं, दीज आर योर मेल बीज, ठीक है ना। तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप होते हैं, और प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस।
प्रोसेस इज नोन एज योर पार्थिनोजेनेसिस. कौन से प्रोसेस को? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन अनफर्टिलाइज एग इनटू एन इंडिविजुअल. ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे. ओके, और कभी कभी अगर क्वीन मर जाती है तो इसी में से किसी एक वर्कर बी को जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसको क्या बना लिया जाता है, वहां पर क्वीन बना लिया जाता है. ठीक है, तो ये सारा जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, 12th में चैप्टर है जहां पर हम डिस्कस करेंगे. तो हम आंसर देखते हैं इसका क्या होगा. वन टाइप फ्रॉम विच ऑल कास्ट डेवलप, जी नहीं, टू टाइप्स, वन फॉर्मिंग क्वीन एंड वर्कर एंड सेकेंड फॉर्मिंग द ड्रोन्स. यस, जैसे कि मैंने कहा कि जो फर्टिलाइज होते हैं जिसमें से आपके वर्कर बनते हैं और उन्हीं वर्कर में से किसी एक को चूज करके क्वीन भी बना लिया जाता है, और सेकेंड टाइप जो होते हैं उसमें से आपके क्या बनते हैं, ड्रोन्स बनते हैं जो मेल्स होते हैं, पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं. तो अपना आंसर 36 का यहाँ पर 2 होने वाला है बच्चों. ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 37 डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान दीजिए बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर 37 हमको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हमेशा नीट में ध्यान देना, इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट ऐसे पूछते हैं. ठीक है ना, तो 37, रिसेप्टर फॉर टेस्ट आर लोकेटेड इन द फीट ऑफ इंसेक्ट. ठीक है, करेक्ट है. डेवलपमेंट ऑफ एकाइनोडर्म्स इंक्लूड्स अ फ्री स्विमिंग डुप्लर लार्वा. ओके, 37 का आपका ये भी करेक्ट है. ठीक है ना, ओके. तो हमको डुप्लर या फिर लार्वा देखने को मिलता है एकाइनोडर्मेटा में, फ्री स्विमिंग लार्वा जिसके बारे में बात की थी. फ्लेम सेल्स इन फ्लैट वॉर्म्स आर फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. यस, प्लेटी हेलमेंट में फ्लेम सेल्स हमको मिलते हैं, ये करेक्ट है. अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ हाइड्रा इज मेटाजेनेसिस. जी नहीं, हाइड्रा मेटाजेनेसिस शो नहीं करता है, तो ये गलत है आपका, हाइड्रा एक्सेप्शन. ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38. Which set includes arthropods of economic importance providing useful product to man? इसमें से कौन से arthropods ऐसे हैं जो हमको क्या provide करते हैं, economic importance? Anopheles तो mosquito है, इससे हमारा क्या होता है, malaria होता है, flux से भी बीमारी होती है. Apis अपना क्या है, यहाँ पर honey भी है जिससे हमसे honey मिलता है. Bombyx silk worm वगैरह की बात करें, silk मिलता है. Lecifer हो गया हमारा lac insect जिससे हमको lac मिलता है, हिंदी में लाह भी कहते हैं, तो यही हमारा करेक्ट है. ये इंसेक्ट्स हमको क्या देते हैं, दे प्रोवाइड अस समथिंग व्हिच वी कैन ट्रेड इन द मार्केट एंड व्हिच इज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. तो हमारा 38 का आंसर भी यहां पर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है. ठीक है ना, नेक्स्ट 39 हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 39. तो 39 क्वेश्चन का आप लोग देखिए सोल्यूशन, हम एक साथ मिलकर करते हैं यहां पर. 39 हमको यहां पर क्या बताता है, सबसे पहली बात, Which of the following is an important distinctive feature of the butterfly or moth? Butterfly or moth में difference होता है, लेकिन बच्चों क्या है हमसे, ठीक है. Scout body, nocturnal, ये तो आपका जो है distinctive feature नहीं है, ये आपका common है. Wings are not folded in sitting position, नहीं folded होता है. Antenna long with goose wood end and diurnal. हाँ जी, ये आपको जो है butterfly में अलग देखने को मिलता है. Antennae short and tapering, ends and feathery and nocturnal, ये नहीं हो, ठीक है ना. अगर क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में मैं बात करूं आपसे तो 39 का 3 होगा. एक बार डायग्राम में बना के बताता हूं. एक्चुअली आपको जो है इस तरह से जो मॉथ देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो मॉथ का जो आपका क्या होगा, यहाँ पर एंटीना होगा, इस तरह का आपको एंटीना देखने को मिलेगा, लाइक दिस डायगोनल एंटीना, मॉथ का एंटीना आपको इस तरह से डायगोनल देखने को, ठीक है ना. लेकिन अगर और मॉथ बड़ा भी होता है बटरफ्लाई से, लेदरी भी आपको उसका देखने को मिलता है. बटरफ्लाई के बारे में बात करें हम, तो उसका एंटीना कुछ इस तरह का आपको बटरफ्लाई, इस तरह का आपको जो है बटरफ्लाई का एंटीना, ठीक है ना. ये आपका जो है मेन डिफरेंस आ जाता है एंटीना में. ओके, सो एंटीना लॉन्ग विथ ग्लोबसुड एंड एना डायरिनल, ठीक है ना. तो यही हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 40. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग डिस्कस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द एपिडर्मिस ऑफ हाइड्रा. हाइड्रा के एपिडर्मिस में कौन से सेल्स हमको देखने को मिलते हैं. इंटरस्टिशियल सेल, ये एपिडर्मिस मतलब बाहर वाला जो सर्फेस होता है वहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना.
इंटरस्टिशियल सेल तो हमको बाहरी सरफेस में देखने को नहीं मिलेंगे, इंटरनल लेयर में होंगे। सिंडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल ऑब्वियसली हमको एपिडर्मिस में देखने को मिलेंगे, ये आपको किसमें हेल्प करेंगे, दे विल बी हेल्पिंग अस इन कैचिंग द प्रे वगैरह को कैच करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सेंसरी सेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा एकदम एपिडर्मिस में, वो आपको अंदर की तरफ देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर जर्म सेल्स के बारे में बात करें, वैसे तो आपका हाइड्रा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन इसको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो स्किन के सरफेस पर कुछ ऐसे बर्ड्स बन जाते हैं, मतलब गोनाड्स बनना स्टार्ट हो जाता है स्किन के ही ऊपर, ठीक है ना। इन्हीं गोनाड्स में जर्म सेल होता है जो लेटर ऑन क्या बनाता है, गेमेट्स बनाता है। तो इनमें क्या देखने को मिलेगा, जर्म सेल्स देखने को मिलेगा और आपको सिंडोब्लास्ट देखने को मिलेगा। तो आंसर बी और डी होना चाहिए, तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, हमने 40 तक ही डिस्कस करेंगे सोचा था, तो 40 तक ही हमने डिस्कस किया, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और कोई भी अगर डाउट वगैरह है तो आप लोग जो है यहाँ पर कमेंट में मेरे को जरूर पूछना लेकिन, ठीक है ना। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो स्ट्रीम को मैं थोड़ा एंड कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट में।